हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ब्लूपर देख के समझ ही गए कि क्या बनने वाला है। तो हाँ, जेली बन रही थी आज, और ये हम लोग ऑलमोस्ट एक्सपेरिमेंट ब्लॉग ही है क्योंकि कभी जेली बनाया नहीं था। तो पापा ने बोला चलो बनाते, कुछ एक्सपेरिमेंट करते बैठे ऐसी। तो यस, हमने सोचा कि दो अलग टाइप की जेली बनाएंगे और उसे फिर फ्रूट्स एंड ऑल डाल के डेकोरेट करके कैसा कंबाइंड जेली बनाएंगे। तो पहले मैंने जो स्ट्रॉबेरी जेली यूज किया था वो ब्लू बर्ड का था, एंड उसमें दो शैशे दिए थे। उसे मिक्स करके 200 ml पानी में मतलब बॉईल करना था। पहले पानी को चीनी डाल के थोड़ा सा बॉईल कर लो, फिर वो जेली का पाउडर डाल दो। एंड देन उसके बाद यहाँ पर मैंने आइस ट्रे यूज किया था फिल करने के लिए। एंड देन भाई भी इधर बीच में आ गया था, बहुत ज्यादा मस्ती हो गई थी टाइम पे, और वॉइस इतनी ज्यादा हो रही थी, नहीं तो मैं आपको एक बार सुनाती, इतनी हंस रहे थे हम लोग। सो यस, उसको मैंने फ्रीज करने के लिए रख दिया। एंड अराउंड 1 आवर में फ्रीज हो गया था जेली। एंड यहाँ पर मैंने फ्रूट्स कट किए थे कुछ, जो आप देख सकते हो एज अ ट्रांजिशन मैंने किया है, थोड़ी सी यूनिकनेस की थी। तो हाँ, तो अभी जो हमारा प्लेन जेली है उसके लिए मैंने यहाँ पर 500 ml पानी लिया था। एंड उसमें मैंने 2 पैकेट जेलेटिन डाले थे। ओके, ये वेज जेलेटिन था। और फिर उसमें आधा कटोरी तक चीनी डाला था। हाँ, उसको डाल के फिर उसे बस उतना ही पकाना जब तक वो पूरा शुगर और जेली है वो मेल्ट ना हो जाए। एंड साथ ही साथ वो पापा कर रहे थे तो यहाँ पर मैंने जेली को कट कर लिया था। एंड ये मस्त लग रही थी, एकदम ऐसा नॉस्टैल्जिक हुआ कि एकदम बचपन की तरह था। तो यस, यहाँ पर मैंने इसे ऐसे स्क्वायर के शेप में यहाँ पर रैंडमली कट कर लिया था। एंड यहाँ पर ये भी हो गया। तो अब इसे असेंबल करने का मतलब इसे डेकोरेट करने के लिए टाइम हो गया था। तो यहाँ पर मैं, मम्मी, हम सब मिलकर डेकोरेट कर रहे थे कि चलो कुछ अच्छा सा बन जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो अपना प्लेन जेलेटिन था जेली उसे डाला। एंड देन उसके बाद फ्रूट्स और फिर जो भी मैंने जेली प्रिपेयर की थी, यहाँ पर मैंने ग्रेप्स, चीकू और मैंगो यूज किया था। एंड देन उसको भी डेकोरेट करके साइड में ऐसे लगा के फिर बीच बीच में मैं जेलीज भी डाल रही थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये बहुत ज्यादा सही बना था खाने में। एंड लाइक मुझे तो बहुत पसंद आया। आप इसमें कीवी, ब्लूबेरी, जो भी आपका फेवरेट फ्रूट हो वो डाल सकते हो। एंड ये जो स्ट्रॉबेरी वाला था ना, वो मतलब मस्त लग रहा था, वो इसकी वजह से मेरे को ज्यादा अच्छा लगा शायद जेली। एंड हाँ, यहाँ पर मम्मी, मैं, हम दोनों ट्राई कर रहे थे, और जैसे थोड़ा थोड़ा डेकोरेट करके फिर उसमें आपको जेली डालना है, प्लेन जेली, और फिर वापस डेकोरेट करो, फिर वापस जेली डाल के पूरा मैंने बाउल को ऐसे फिल कर लिया था। एंड इसे मैंने फ्रीज होने के लिए रख दिया था अराउंड 2 आवर्स के लिए, बिकॉज इसमें फ्रूट्स थे तो इसमें टाइम लगा होने के लिए फ्रीज। हाँ, तो अब ये हो गया था और अब इसे फ्रीज में रखेंगे। एंड अनमोल्ड के टाइम पे तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, बिकॉज मेरे को लग रहा था कि अच्छे से निकलेगा भी कि नहीं, बट निकल गया था। एंड बहुत सही था बनाने में, सॉरी खाने में। और हाँ, आप लोग कमेंट करके बता देना कि आपको कौन सी नेक्स्ट रेसिपी देखनी है, तो मैं वो बनाने के लिए, बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा। एंड यस, आई विल सी माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय। और हाँ, आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे देख के चले जाते हो, तो प्लीज गाइस कर दिया करो, मोटिवेशन मिलती है और अच्छा भी लगता है कि चलो आप लोग मेरे कंटेंट को अच्छा मतलब प्यार दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। एंड आई विल सी माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।